आय का जो उच्च स्तर है वो किसके पास है? तो आय का जो उच्च स्तर है वो है के पास है, और आय का जो निम्न स्तर है वो किसके पास है? कह के पास है। तो इन दोनों में अंतर हो गया कि यहाँ पर क्या होगी, आय का स्तर क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। आय का स्तर क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आय का स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। आय का स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो ये जो है इस व्यक्ति को जिसके परिवार में कितने सदस्य है, पांच सदस्य है, इसके भी परिवार में कितने सदस्य है, पांच सदस्य है, यहाँ आय का स्तर निम्न है। तो आय का स्तर निम्न होगा तो उपभोग का स्तर भी क्या होगा, निम्न होगा। उपभोग का स्तर भी क्या जाएगा, निम्न जाएगा। तो इस व्यक्ति को हम किसकी श्रेणी में शामिल करेंगे, इसे हम निर्धनता की श्रेणी में शामिल करेंगे। एक तो ये बात है, यानी जिसकी आय और उपभोग जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे है, न्यूनतम है, वो क्या कहलाता है, वो निर्धन या गरीब कहलाता है। दूसरी बात देखिए इसके अंतर्गत क्या आती है कि मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। अगर हम बात करते हैं मूल आवश्यकताओं की बात करते हैं तो अलग अलग देशों में जो मूल आवश्यकता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग देशों में क्या होती है, भिन्न 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 होती है। ये भिन्न भिन्न किस प्रकार से होती है कि जरूरी नहीं भारत में जिसका आय और उपभोग एकदम निम्नतम है, दूसरे देश में भी उसी कारकों को, उन्हीं मानकों को माना गया है। अलग अलग देश है तो अलग अलग देशों में उनकी लोगों के हिसाब से क्या होती है, आय और उपभोग का स्तर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग माना जाता है। अतः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न होगी। तो देखिए मूल आवश्यकता अलग अलग देशों में भिन्न होगी तो निर्धनता रेखा भी क्या होगी, भिन्न होगी। तो ये क्या होगी, निर्धनता रेखा भी क्या होगी, भिन्न होगी, अलग होगी। भारत में जो निर्धनता रेखा की सीमा है जरूरी नहीं है कि वो नेपाल में या बांग्लादेश में या अन्य देशों में वही हो, वो अन्य देशों में अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान के स्वरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। जैसे निर्धनता रेखा भिन्न होती है तो यहाँ पर उदाहरण हम लेते हैं, दो देशों का लेते हैं, एक तो उस देश का लेते हैं जो विकसित है, एक हम उस देश का लेते हैं जो विकासशील है। तो अगर विकसित देश की बात करते हैं तो वो कौन सा देश आता है, अमेरिका आता है। देखिए अमेरिका में किसको निर्धन माना जाएगा, अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है, जिसके पास क्या नहीं है, कार नहीं है, उसे क्या माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कार क्या माना जाता है, विलासिता की वस्तु, विलासिता की वस्तु मानी जाती है। यानी जिसके पास कार नहीं है अमेरिका में वो क्या माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कार क्या है, विलासिता की वस्तु है। तो देखिए दोनों ही देशों में अंतर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका विकसित है तो वहाँ रोटी कपड़ा मकान ये जरूरतें हैं जो मूल आवश्यकता है व्यक्ति को, इनको न मानकर निर्धनता रेखा के नीचे किसको माना गया है, जिसके पास कार नहीं है। और भारत जो एक विकासशील देश है ये कहता है कि कार विलासिता की वस्तु है, तो सबसे पहली जो जरूरत है व्यक्ति की वो है रोटी की, कपड़े की और मकान की। तो इनकी जो काल्पनिक रेखा के नीचे आता है, इनकी सीमा रेखा की जो नीचे आता है उसे क्या माना जाएगा, निर्धनता की गिनती में उसे शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से हमने दो देशों के उदाहरण देखे हैं और इन दोनों देशों के माध्यम से हमें अलग अलग तरीके से निर्धनता रेखा की जो काल्पनिक रेखा मानी गई है वो
वो पता चलती है। अब हम देखते हैं भारत में जो निर्धनता रेखा की सीमा तय करी गई है उस सीमा रेखा के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है। तो देखिए भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता कपड़ों जूतों ईंधन शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं आदि पर विचार किया जाता है अब देखिए भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय कौन सी जो मूलभूत चीजें हैं उन पर विचार किया जाता है। तो देखिए खाद्य आवश्यकता का मतलब होता है भोजन सामग्री, कपड़े, रोटी कपड़ा और मकान की बात आती है, पैरों में चप्पलें होनी चाहिए, जलाने के लिए ईंधन, खाना पकाने के लिए, शैक्षिक शिक्षा और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सारी सुविधाओं पर क्या किया जाता है भारत में विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो इनके लिए क्या निर्धारित की गई है, कैलोरी निर्धारित की गई है, देखिए कैलोरी किस तरह से निर्धारित की गई है कि जो गांव है उनकी और जो शहर है उनको प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति इस कैलोरी से नीचे ग्रहण करता है तो वो क्या माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा। गांव के व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि गांव के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। और शहरों के लोगों को प्रति दिन कितने 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही आंकड़े माने गए हैं निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय। तो जो गांव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन नहीं लेता है उसे क्या माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा। और शहर में जो 2100 कैलोरी प्रतिदिन नहीं लेता है उसे क्या माना जाएगा, उसे निर्धन माना जाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या आती है। जैसे इस कैलोरी में क्या आती है, अनाज, इसमें अनाज आ जाता है, इसमें दालें आ जाती है। यानी प्रतिदिन की कैलोरी में किन किन को शामिल किया गया है, इनमें सब्जियां, इसमें दूध, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी। निर्धारण करते समय इन चीजों को देखा जाता है कि व्यक्ति इन चीजों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा है या नहीं, और इन सबको किसमें, इन सबको मूल्यों में, यानी पैसों में, मूल्यों में क्या कर दिया, जोड़ दिया, उसको परिवर्तित कर दिया और ये निर्धारित कर दिया कि गांव के लोग अगर 2400 कैलोरी प्रतिदिन लेते हैं तो वो निर्धन नहीं माने जाएंगे, जो 2400 कैलोरी से नीचे लेता है वो निर्धन माना जाएगा। इनमें शामिल है प्रतिदिन के में अनाज,
दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी, इनसे क्या मिलती है हमें प्रतिदिन कैलोरी मिलती है। और शहर के लोग 2100 कैलोरी से अगर नीचे लेते हैं तो वो क्या माने जाएंगे, वो निर्धनता की गिनती में आएंगे। तो सारी चीजें क्या करती है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रश्न आ सकता है कि 2400 कैलोरी का निर्धारण क्यों किया गया है, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों को अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मेहनत वो ज्यादा करते हैं, और शहरी क्षेत्रों में कम शारीरिक श्रम होता है। तो इस प्रकार से अनाज आदि के रूप में ये जो कैलोरी है ग्रामीण क्षेत्रों की, उनको खरीदने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा, प्रतिदिन मौद्रिक व्यय को निर्धारित किया जाता है और ये कीमतों में वृद्धि के साथ साथ संशोधित होते हैं। अब देखिए ये क्या करता है कि 2400 कैलोरी किसान को, ये ग्रामीण व्यक्ति को प्राप्त होनी है तो इसके लिए उसे कितना खर्च करना पड़ेगा, ये भी निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति अपने ऊपर एक महीने में कितना खर्च करेगा। इन सारी चीजों पर कैलोरी प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो ये भी निकाला गया है कि 2400 कैलोरी को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को अपने ऊपर, खुद के ऊपर कितना खर्च करना पड़ेगा। ये किसके रूप में निकाला गया है, मुद्रा के रूप में निकाला गया है। तो देखिए क्या है, 2011-12 की हम बात करते हैं तो 816 रुपए प्रति माह। अगर हम बात करते हैं 2011-12 की तो देखिए क्या आता है, 2011-12 की बात करते हैं और किसको, व्यय को बात करते हैं, कैलोरी, कैलोरी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, किसको, ग्रामीण व्यक्ति को, शहरी व्यक्ति दोनों को। तो देखिए 2011-12 में एक व्यक्ति प्रतिमाह का मतलब क्या होता है, हर महीने अपने ऊपर कितना खर्च करेगा, 816 रुपए, यानी 2011-12 में 816 रुपए। और ये कौन से हैं, ग्रामीण, ये कौन है, ग्रामीण, यानी गांव का एक व्यक्ति अपने ऊपर 2400 कैलोरी को प्राप्त करने के लिए 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार हर महीने 816 रुपए खर्च करता है और 2400 कैलोरी को प्राप्त करता है तो वो किसकी गिनती में नहीं आएगा, वो निर्धनता की गिनती में नहीं आएगा। और इसके बाद में हम करते हैं 2011-12 के अनुसार हम करते हैं प्रतिमाह शहरी क्षेत्रों में व्यय, यानी 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में हम व्यक्त करते हैं तो वो था 1000 रुपए, ये शहरी, ये 11-12 के आंकड़े हैं, उसके बाद में संशोधन हुआ है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में वस्तुओं की कीमत अधिक होती है। अब एक प्रश्न उठ सकता है आप लोगों के सामने कि अभी तो बोला था कि ग्रामीण लोगों को 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, शहरी लोगों को कितने, 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन खर्चा तो शहरी लोग ज्यादा कर रहे हैं। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर ये आएगा क्योंकि शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, वस्तुओं की कीमत अधिक होती है, महंगी मिलती है ना सारी चीजें, तो वस्तुओं की क्या होती है, कीमत ज्यादा होती है। इसलिए ग्रामीण शहरों के लोगों के लिए कितना निर्धारित हुआ है, 1000 रुपए, सॉरी शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितने, 816 रुपए निर्धारित किए गए। इस तरह से ये जो निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय बहुत सारी बिंदुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5% का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय 4080 रुपए प्रति माह से कम है। तो देखिए 2011-12 के अनुसार किसको, निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा यदि उसकी आय 4080 रुपए प्रति माह से कम है, तो उसे क्या माना जाएगा, निर्धनता रेखा की गिनती में उसको माना जाएगा। तो अब हम आपके व्यवहारिक रूप में आज आपको मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आगे इसके अंतर्गत जितने भी बिंदु हैं वो
आपको मैं नेक्स्ट कक्षा में करवाऊंगी। और होमवर्क के रूप में आपको क्या करना है कि विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का उपयोग क्यों करते हैं। प्रश्न देखिए, गृह कार्य के रूप में, गृह कार्य विभिन्न देश निर्धनता रेखा का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हो, ये नोटबुक में आपको अपनी ठीक करना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में हम पढ़ रहे थे पीछे की कक्षा में निर्धनता वाला चैप्टर, निर्धनता एक चुनौती। और अब हम इसका जो आगे का है पोर्शन वो पूरा कर रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती और कल की कक्षा में पीछे वाली जो कक्षा में हम लोगों ने निर्धनता एक चुनौती की जो पॉइंट्स पढ़े थे उनमें ये था कि निर्धनता सामाजिक रूप से निर्धनता किसे कहते हैं, सामाजिक के साथ साथ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है निर्धनता को व्यक्त करने में उनका दृष्टिकोण निर्धनता के लिए क्या है। तो अब हम इसके आगे की जो कहानी है यानी आगे का जो दिया हुआ है आपके सिलेबस में पॉइंट्स वो देखेंगे और वो है निर्धनता रेखा, वो है निर्धनता रेखा। यहाँ सबसे पहले हम इस निर्धनता रेखा वाले जो पॉइंट है बिंदु है इसको हम क्लियर करते हैं कि निर्धनता रेखा है क्या। तो देखिए हर देश में मूल रूप से जो निर्धनों की कैटेगरी है, निर्धनों का जो श्रेणी है उसे माना गया है, यानी जो बीपीएल है, मिलो कैटेगरी है, जिनमें गरीबी की रेखा से जो नीचे आते हैं उनको शामिल किया गया है, कुछ को गरीबी की रेखा से ऊपर शामिल किया गया है। तो ये जो निर्धनता रेखा एक लाइन खींची गई, काल्पनिक रेखा बनाई गई है, ये किनको आधार बनाकर रची गई है, इसकी कल्पना किस आधार पर की गई है। जो अगर हम कहते हैं कि ये तो बीपीएल में आता है, तो निर्धनता रेखा की श्रेणी में आता है, यानी निर्धनता रेखा के नीचे है, कुछ लोग निर्धनता रेखा के ऊपर है, तो ये कौन से मानकों पर आधारित है, कौन से कारक है ऐसे जो निर्धनता रेखा को व्यक्त करते हैं। तो इसमें हम देखिए कि निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में साधारणतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य सामान्य विधि आय और उपभोग के स्तर पर आधारित है। तो हम बात करते हैं सर्वमान्य विधि, हम बात करते हैं सर्वमान्य विधि, विधि का मतलब होता है तरीका, वो बात जो सभी ने मानी है। तो वो सर्वमान्य विधि कौन सी है कि हम देखते हैं, एक तो आय का निम्न स्तर, एक तो क्या आय का निम्न स्तर वो किसकी गिनती में आता है, जिनके पास आय के साधन कम होते हैं, सोर्स कम होते हैं वो, और इसके साथ साथ एक उपभोग, उपभोग का निम्न स्तर, आय के साथ साथ किसका निम्न स्तर, उपभोग का, आय का और उपभोग का किस तरह से व्यक्त होता है, यानी जिनकी आय कम होती है, जो जिसके घर में कम आय होती है या कमाने वाले होते हैं लेकिन वो कम, उनकी जो मासिक वेतन है वो कम होता है, और इसके साथ साथ जो वो उपभोग करते हैं वस्तुओं का वो क्या होता है, अनुकूल नहीं होता, उनके प्रतिकूल होता है, जिस पोषण की आवश्यकता उनको होती है वो उस पोषण को पूर्ण नहीं करता। तो अगर हम सर्वमान्य विधि की बात करते हैं निर्धनता को लेकर, तो वो आती है तो आय का निम्न स्तर और एक आती है उपभोग का निम्न स्तर। इसके साथ साथ देखिए कौन से ऐसे मानक है, कौन से ऐसे कारक है जिनको उपभोक्ता, जिनको निर्धनता रेखा में शामिल किया गया है। अब इन दोनों मानकों के अनुसार हम तो जिनके पास ये दोनों आय का स्तर निम्न है और उपभोग भी जो निम्न करता है उसे हम क्या मानते हैं, गरीब मानते हैं, उसे हम निर्धन मानते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं, भी जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान ही नहीं होता, उसे हम क्या मानते हैं, गरीब मानते हैं। अब देखिए एक न्यूनतम स्तर होता है आय और उपभोग का, एक क्या होता है न्यूनतम स्तर होता है, अगर उसकी आय और उपभोग अपने न्यूनतम स्तर के नीचे चली जाती है, जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं एक है कर और एक है घर, दो व्यक्ति है, इस
गैर व्यक्ति और घर व्यक्ति में अंतर क्या है कि इसके परिवार में भी 5 सदस्य हैं, इसके परिवार में भी 5 सदस्य हैं। ये प्रति महीने के हिसाब से 3000 रुपए कमाता है और ये प्रति महीने के हिसाब से क्या कमाता है, प्रति प्रति महीने के हिसाब से 15